एक मिडिल क्लास फैमिली में रह के मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं दुबई जैसी इतनी रिच कंट्री में घूम पाऊँगी, और मैं फाइनली उसे मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है विद प्रूफ के साथ। आज सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया है कि मैंने कैसे विजन बोर्ड भी मैनिफेस्ट किया था, मैंने कैसे स्क्रिप्टिंग में मैनिफेस्ट किया था, मैंने कैसे विजुलाइजेशन में मैनिफेस्ट किया था। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ फिर से दोबारा बोलना चाहती हूँ, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए एक विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। मानो उसका एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा हो गया है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है, और कितने जादुई तरीके से हुई है, और इतने कम वक्त में मैंने ऐसे कैसे मैनिफेस्ट किया। मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ से मैं हमेशा भागती हूँ उसी चीज़ ने मेरी विश को मैनिफेस्ट कर लिया था। स्क्रिप्टिंग लिखने की हैबिट मेरी पड़ चुकी थी, लेकिन उससे पहले जब मैं दिल्ली पहुंची थी ना, क्योंकि दिल्ली से फ़्लाइट थी दुबई की, तब मैंने जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था ना आप लोग के साथ, वो शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे फाइनली दुबई भेज दिया है, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ अब मैनिफेस्ट होने वाला है। थैंक यू। नाउ लेट्स बिगिन टू द वीडियो, हाउ आई मैनिफेस्टेड दुबई ट्रिप। आप सब लोगों को मेरी ये स्क्रैप बुक तो पता ही होगी, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। तो इसी स्क्रैप बुक में मैं अप्रैल मंथ के जब इंटेंशन सेट कर रही थी, तब मैंने वहाँ पे क्या लिखा था। इस स्क्रैप बुक को ध्यान से देखना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने अप्रैल मंथ के सारे इंटेंशन लिखे हैं, और डेट भी डाली है, 1 अप्रैल को मैंने ये इंटेंशन लिखे थे, और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। आप लोग चाहें तो वीडियो अप्रैल में जा कर देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ पे जो अपनी बकेट लिस्ट लिखी थी ना, इनमें मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी थी, बुक ऑफ फैमिली, फ़ोटो सेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसमें से एक चीज़ थी 1 इंटरनेशनल ट्रिप। तो 1 इंटरनेशनल ट्रिप तो मैंने लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिखा था। लेकिन जब मैंने 1 इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पर डाल दिया था, तब तक पासपोर्ट मेरे पास था, सिर्फ मैंने बनवा लिया था। कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था, कोई भी इंटेंशन नहीं थे कि मुझे दुबई घूमना है या फिर ये सारी चीज़ें, लेके मेरे मन में था कि मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप जानी है। सेकंड चीज़ मैंने एक और मैनिफेस्ट की थी, जब मैं अपना विज़न बोर्ड बना रही थी, तब यहाँ पे आप देखो आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी के ऊपर 2 लड़कियाँ हैं जो अपना सूटकेस लेके खड़ी है। एक खड़ी है ब्लैक कोट वाली, एक वाइट वाली जो बैठी हुई है। तो ये मेरा ड्रीम था, यहाँ पे मैंने ये सोच के लगाया था कि मैं कोई भी जगह अब जब घूमने जाऊँगी तो अपनी छोटी बहन के साथ घूमने जाऊँगी, अपनी लिटिल सिस्टर के साथ घूमने जाऊँगी। तो हुआ क्या, मैं जब दुबई गई तो मैं और मेरी बहन, हम दोनों दुबई गए थे। और तो देखो ये हुआ ना, इस तरीके से आप अनइंटेंशनली भी कभी कभी चीज़ें लिख देते हो, कभी कभी पिक लगा देते हो। 20th मार्च यानी कि जिस दिन मेरा बर्थडे था, उसी दिन मुझे पासपोर्ट आ चुका था। यूनिवर्स की तरफ से एक छोटा सा संदेश मिल चुका था कि कहीं ना कहीं घूमने तो 2023 में जाना ही है। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ और हमेशा कहूँगी कि अगर आप लोग कोई ट्रिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको एक जगह लिख लो। देखो मेरे दिमाग में दुबई बिल्कुल भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, बट मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी है 2023 में, अपनी बहन के साथ मुझे घूमने जाना ही है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हुई। इंटरनेशनल ट्रिप मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था, और बहन के साथ जो मैंने एक पिक लगाई थी वो मैंने अपने विज़न बोर्ड में लगाई थी। अब मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किन किन बातों का ख्याल रखा था, और आप लोग भी उन बातों का ख्याल रखो। देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट करनी है या फिर कोई भी ट्रिप या कोई भी हॉलीडे मैनिफेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को विजुलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने अपने पासपोर्ट को मैनिफेस्ट किया था, जब मेरा पासपोर्ट बन चुका था, पर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन मुझे यूनिवर्स ने उस टाइम का इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया कि मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ही पासपोर्ट मेरे हाथ में रिसीव हुआ। वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप उसे पासपोर्ट बनवा लीजिए, अपना पासपोर्ट एजेंट के पास जाके। आजकल बहुत इजी है पासपोर्ट बनवाना, ठीक है, आप लोग बनवा लीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, देन पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है। सेकेंड चीज़,
आप पासपोर्ट को विजुलाइज़ कर सकते हो कि मेरा पासपोर्ट बन गया है, लेकिन सिर्फ विजुलाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कैसे लोगे? क्योंकि किसी भी ट्रिप का या इंटरनेशनल ट्रिप का सबसे पहला जो एक्शन है वो है पासपोर्ट बनवाना। इसलिए पासपोर्ट बनवाएं और फिर देखें, यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपके उस पासपोर्ट को यूज़ में कर देगा आपके लिए। सेकेंड चीज़, अगर आप कोई स्पेसिफिक जगह सोचे बैठे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, दुबई, कहीं भी आपको जाना है, तो उस चीज़ की इमेज अपने वॉलपेपर पे लगा दीजिए। मेरे विज़न बोर्ड को ध्यान से देखिए, उसमें कहीं पे भी कोई भी सिटी या कंट्री की पिक नहीं है। मैंने क्यों किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की फ़ोटो नहीं लगाई है, क्योंकि बस मुझे ये था कि मुझे 2023 में घूमने जाना है। बट लिटरली जब मैं स्क्रिप्टिंग लिख रही थी और मैंने सिर्फ लिखते लिखते ही सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप लिख दी थी, लेकिन वो यूनिवर्स मेरे लिए पॉसिबल कर देगा। यहाँ मैं एक टिप आप लोग के लिए देना चाहती हूँ, अगर आप स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक में चीज़ें बोल रहे हो, तो उस चीज़ पे बिलीव करो कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ पूरी डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या हॉलीडे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो एक वेबिनार होने वाला है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी डिटेल उसमें मौजूद है। तो आप ये फॉर्म फिल करके मेरे अपकमिंग वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। तो सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है एक ट्रिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। पहली चीज़ विजुलाइजेशन, दूसरी चीज़ स्क्रिप्टिंग, तीसरी चीज़ खुद में यकीन। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विजुलाइजेशन करना कि आप उस जगह पे लिटरली पहुंच गए हो, और सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक यूनिवर्स के यहाँ सरेंडर कर दो। जैसे मेरी ड्रीम पूरा हुआ है, आप सबका ड्रीम भी इजीली पूरा हो जाएगा। आपका जो डिज़ायर है ना, उसमें एक आग होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि मुझे घूमना है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे चल के और भी ऐसे वीडियोज़ आने हैं, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई पासपोर्ट, और दुबई से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स आप तक पहुँच जाएंगे, और भी मैनिफेस्टेशन की चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हुई हैं, वो भी आप लोग तक शेयर करूँगी। थैंक यू।